Hey guys, welcome back again on channel. आज के इस इन्वेंशन की वीडियो में हम जानेंगे आपके कीबोर्ड में छुपे एक ऐसे फीचर के इन्वेंट के बारे में जिसे आप रेगुलर बेसिस पर यूज करते हैं चैट करते वक्त किसी भी सोशल मीडिया साइट पर, लेकिन आप इसके इन्वेंटर के बारे में बेशक नहीं जानते होंगे। तो चलिए जानते हैं आपके कीबोर्ड में छुपे एक गिप्सी के इन्वेंशन के बारे में और कुछ उसके फैक्ट्स के बारे में। मेरे साथ मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं होमस्टेड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि होमस्टेड के आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले। गिप का उपयोग सही कंटेंट के साथ यूज किया जाता है तो वो कंटेंट वायरल होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, और यही वजह है कि आज इंटरनेट की दुनिया में ये एक शक्तिशाली मार्केटिंग टूल बन गया है। चाहे आप इसे ट्विटर, अपने ब्लॉग, वेबसाइट या अन्य सोशल मीडिया चैनल पर उपयोग कर रहे हो। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि जीफ का इन्वेंट किसने किया था। जीफ को 1987 में कॉम्प्यूवर्स नाम की कंपनी में काम करने वाले कंप्यूटर साइंटिस्ट रहे स्टीव विलहाइट ने किया था इन्वेंट। इसका उद्देश्य उस टाइम पे तस्वीर को कंप्रेस करके मॉडम के जरिए जल्दी भेजना था। बाद में इसे अपडेट करके तस्वीर को एनिमेटेड किया जाने लगा। सन 1987 में ही जीफ का ओरिजिनल वर्जन लॉन्च किया गया जिसका नाम 87A था। ज्यादातर लोग इसे एक हार्ड जी के साथ गिफ प्रोनाउंस करते हैं। इवन मैं भी इस वीडियो में कई बार गिफ प्रोनाउंस कर चुका हूँ, लेकिन विलहाइट जिन्हें गिफ फॉर्मेट का आविष्कार करने के लिए 2013 में वेबी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तब उन्होंने कहा था कि इसे एक्चुअली में जिफ के साथ प्रोनाउंस किया जाना चाहिए। तो अगली बार आप जब इसे किसी को भेज रहे हो तो उसे कहना कि इसे गिफ नहीं, इसे जिफ प्रोनाउंस किया जाता है, जिफ, ताकि क्या इसके इन्वेंटर को भी थोड़ा फील आए, राइट। वैसे किसी एग्जाम में नहीं आने वाला, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे अंग्रेजों की ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में दोनों प्रोनाउंसिएशन को स्वीकार किया गया है। विलाइट ने कहा है कि वे गलत है, ये एक सॉफ्ट जी के साथ जिफ प्रोनाउंस होना चाहिए। जिफ का फुल फॉर्म है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। वैसे जब इन्वेंटर खुद बता रहा है कि इसे जिफ प्रोनाउंस करना है तो इन अंग्रेजों को क्या पड़ी है कि ये दोनों शब्द को अपनी डिक्शनरी में शामिल कर रहे हैं। पता नहीं ऐसे अंग्रेज हम पे 200 साल कैसे राज करके चले गए। इसी साल 2022 में कोविड संक्रमित होने पर ओहियो के मिलफोर्ड शहर में स्टीव का इलाज चल रहा था, लेकिन वो कोमा में चले गए और बचाए नहीं जा सके। अमरीका में 14 मार्च 2022 को कोविड की वजह से उनका निधन हो गया। उनकी पत्नी ने बुधवार को यह सूचना सार्वजनिक की। 74 साल के स्टीव 1 मार्च को कोविड की चपेट में आए थे। वैसे चाइनीज वायरस पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। तो ये थे जिफ के इन्वेंटर स्टीव विलहाइट, जिन्होंने अपनी 74 साल के जीवन में रिवोल्यूशनरी टेक जिफ का इन्वेंट किया। जिफ के कुछ फैक्ट्स जानने से पहले, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि होमस्टेड के आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले। और वीडियो कुछ ज्यादा ही पसंद आया गया हो तो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करना ताकि उसे भी पता चले इस जिफ के इन्वेंटर के बारे में। जिफ का पहला फैक्ट ये है कि ट्विटर पर जो ट्वीट जिफ के साथ पब्लिश की जाती है उस ट्वीट को 167% ज्यादा एंगेजमेंट मिलती है बाकी ट्वीट से। जिफ का दूसरा फैक्ट ये है कि जो आप ये स्क्रीन पर एरोप्लेन वाली जिफ देख रहे हो ना, वो दुनिया की पहली जिफ है। बस आज के इन्वेंशन की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि जिफ के इस इन्वेंशन और इसके इन्वेंटर के बारे में जान के आपकी नॉलेज में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि होमस्टेड के आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूँ अगले हफ्ते, तब तक के लिए आप सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ईमानदार बने।